चलिए देखिए, आज हम विविध पार्ट टू में चल रहे हैं, विविध या मिसलेनियस पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण दिवस, इम्पॉर्टेंट डे जो है आपके हैं, उन सब के बारे में हम बता रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं जुलाई से देखेंगे। 1 जुलाई के दिन विश्व चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है इस दिन। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को हम देखते हैं जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को जो है आप देखेंगे विश्व बाघ दिवस, बाघों को संरक्षण करने के लिए हम विश्व बाघ दिवस सेलिब्रेट करते हैं। फिर बात करते हैं अगस्त का। तो अगस्त का हम देखते हैं कि 12 अगस्त के दिन है ना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। जबकि हम दूसरा एक देखे थे कि जो भारत में युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, वो सिर्फ युवा दिवस है, ठीक है। 15 अगस्त को हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे बात करते हैं है ना अगस्त के बाद सितंबर में हम देखते हैं तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है हमारा। इसी तरह से 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस है ना, ये अभी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था विश्व ओजोन दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को हम देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व भर में पूरे है ना इस दिन पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बात करते हैं हम अक्टूबर माह के। ये सब महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपके विभिन्न एक दिवसीय एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC का हो या PET का आप दे रहे हैं, UPP का है, SI का है, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर माह के जो महत्वपूर्ण दिवस है उसमें हम देखते हैं तो पहला जो है 2 अक्टूबर ही है जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी दिन को 2 अक्टूबर को ही हम देखते हैं अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी जो है अपने अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा जो है प्रतिबद्ध थे, उसी दिन अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को हम देखते हैं इस दिन विश्व शिक्षक दिवस, पूरे विश्व भर में शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को हम बात करते हैं तो इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और इसी अक्टूबर का यहाँ पर हम लिख दिए हैं, 16 अक्टूबर को देखते हैं विश्व खाद्य दिवस, और 24 अक्टूबर को UNO है ना संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। और फिर देखते हैं कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है आपके महत्वपूर्ण तिथियां, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के हैं है ना, और इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए, आने वाले विभिन्न जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। धन्यवाद।